आखिर चंद डायरेक्टर लेकिन ठाक भोसड़ी वाली मर जो बहुत मस्त गाना है। लो रेडे इंश्योरेंस करो मारो। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे। एंड काफी दिन के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, ऐसे तो अब करीबन 3-4 महीने से ब्लॉग आ ही नहीं रहा था। एंड गाइस चेकआउट कर सकते हो हमारे साथ अभी कौन है, और शायद आप लोग जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको तो पता ही होगा कि कौन है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस आज हम लोग ग्रीडी से बिहार जा रहे हैं शूट पे, और साथ में मंजीत भी बोले कुछ, और अभी हम लोग सिवांस गार्डन शूट के लिए जा रहे हैं गया, जो बिहार फतेहपुर रोड में है। और अभी हम लोग निकले हैं, मतलब घर से थोड़ा लेट हो गया निकलने में, हम निकले थे 2 बजे निकले थे हम, और कुलदीप को पिकअप किए कितना 4 बजे ना, 4 बजे कुलदीप को 4 बजे पिकअप किए हैं, क्योंकि कुलदीप का घर से मेरा घर 2 घंटे का, मतलब 1.5 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ से इसको पिकअप किया, अब डायरेक्ट जा रहे हैं हम लोग गया के लिए। तो हम लोग की नज़र में बहुत ज़्यादा लेट हो गया ना, तो बहुत जल्दी निकलते हैं। वहाँ 4 बजे तक पहुँचना था, 5 बजे तक, बट हम लोग लेट हो गए अभी रास्ते में। आप लोग यही चेकआउट कर सकते हो इधर का सीन, और पीछे देख सकते हो हमारे साथ एक्ट्रेस गरिमा, बोलना चाहेंगे आप कुछ? एंड इधर हमारे भैया जी त्रिभुवन भैया जी, क्या भैया कैसे हैं? ठीक है, मस्त मगन, तो गाइस बस ब्लॉग में आपसे बने रहो एंड लोकेशन पे पहुंचते हैं, लोकेशन पे दिखाएंगे शूटिंग कैसे होता है वो भी दिखाएंगे आज से रेगुलर ब्लॉग आएगा, ब्लॉग आएगा ही आएगा। और मंजीत भैया का भी ब्लॉग का चैनल है, मंजीत के ब्लॉग है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ सब्सक्राइब करो। और उसमें एक कुछ दिन पहले ब्लॉग अपलोड किए थे ना नेपाल में, जैसे शूटिंग हुआ नेपाल में 3 दिन शूट किया, 3 दिन का ब्लॉग मेरे पास है। बहुत ही खतरनाक ब्लॉग, आप लोग एक बार जाके चेकआउट कर लो। अच्छा लोकेशन है थोड़ा सा, मतलब आप लोग देखिए काठमांडू के रास्ते जाते होंगे या गोरखपुर के रास्ते, बहुत नेपाल जाने का, लेकिन हम सुपौल रास्ते गए थे, सुपौल बॉर्डर होकर के गए थे, जो कि हमको नमस्ते झरना वगैरह मिला था। आप लोग गए होंगे तो उसका व्यू बहुत अच्छा है, आप लोग देखे होंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब अप्रैल बाद फिर मिल रहे हैं काठमांडू रोड से नेपाल, और फिर से जाएंगे हम लोग शूटिंग में क्या? और गाइस आकार जाएंगे हम। और गाइस आज देखिए आज का ये लोकेशन रहा, अभी हम लोग जूता उतर खोल के रख दिए हैं, एंड मंजीत भैया का ड्रेसअप देख सकते हैं कैसा है। तो बस ब्लॉग में बने रहो एंड चलते हैं लोकेशन पे, और जो भी करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, और जो हमारे चैनल पे न्यू आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस ये चेक करो गाइस, अभी हम लोग ये कौन सा घाटी है भैया पता है क्या? कोडरमा घाटी है, कोडरमा घाटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा चर्चित है क्योंकि डेंजर भी है, और मतलब आदमी के लिए भी और टर्निंग के लिए भी। देख रहे हो गाइस कैसे है, और बहुत लंबा चौड़ा है, कम से कम टर्निंग है ना बहुत ज्यादा, 20-25 किलोमीटर तक है ना ये घाटी। तो भैया जी एंड लोग चेक करो गाइस, इन लोग क्या कर रहे हो भाई। गाइस ये घाटी आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग कभी आए हो क्या इधर, बस एक कमेंट में बताना। अरे भाई उधर से देखो गाइस कैसे आ रहा है, खतरनाक, ओहो खतरनाक घाटी है। बस गाइस देखते जा रहे आप लोग और बहुत कुछ दिखाते हैं, एंड ये व्यू देख सकते हो कितना ही खतरनाक दिख रहा है इधर का। गाइस बाहर से चेक करो गाइस क्या सीन है इधर का, कमेंट बताना गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये घाटी। एंड गाइस ये झारखंड बिहार बॉर्डर, अभी यहाँ हम लोग का गाड़ी चेक हुआ एंड फिर हम लोग जा रहे हैं, एंड इधर चेक कर सकते हो सबका गाड़ी चेक हो रहा है भाई। चले अभी गाड़ी के बोर्ड मेरा भी निकाल दो मोबाइल, ये रहा पंजा पड़िया, हम चल जाते हैं। ओ भाई खतरनाक। तो गाइस एक जगह और चेक कर रहा है गाड़ी, और अभी मंजीत भैया गया है गाड़ी वाड़ी का नंबर लिखवाने, चेक पोस्ट करने, और इधर का सीन देख सकते हो। तो बस यहाँ जैसे चेक होता है हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो बस ब्लॉग में आप लोग बने रहो एंड आगे आप लोगों को दिखाते हैं आगे का सीन, एंड इधर का सीन आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही खतरनाक है। बस ब्लॉग में बने रहो आप सब, चेक करो गाइस। अभी हम लोग लोकेशन पे पहुंचे और जस्ट अभी अंदर एंट्री ले रहे हैं, तो भैया भी ब्लॉग बना रहे हैं, देखिए देखिए कुलदीप बनाता था, हम भी थोड़ा सा लोकेशन को दे रहे और ये देख सकते हैं अभी हम लोग अभी नीचे उतर के आप सभी को पूरा लोकेशन चेक आउट करवाते हैं। बस ब्लॉग में बने रहो आप सभी एंड, तो गाइस बस बाहर निकलते और आप सभी को लोकेशन दिखाते, ब्लॉग में बने रहो आप सब।
एंड का जस्ट अभी लोकेशन पे पहुंचे और गाड़ी वाड़ी सारा कुछ पार्क हो गया। समझ में नहीं आया क्या क्या बोली है। एंड इधर हमारे मंजूर भैया। अच्छा अभी ब्लॉग चालू कर रहे हैं गाइस, ये भी अपना ब्लॉग में कंटिन्यू है। हां तो अभी हम लोग गाड़ पर क्या लुक दिखा रहा तुम्हें। अच्छा ये देखिए गाइस क्या पहन के आए। चलिए कोई नहीं, बस ब्लॉग में रहो एंड आप सभी को इधर का लोकेशन चेकआउट करवाते हैं एंड देखते हैं फिर क्या सीन होता है, कैसे शूटिंग होता है, कौन सा सॉन्ग है, कौन सा मतलब कैसे क्या होता है, बस पूरा इस ब्लॉग में दिखेगा। एंड काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है गाइस शूटिंग का, तो समझ ही सकते हो अब से और रेगुलर। एंड इधर सबको चल रहे अंदर एंड इधर का व्यू देख सकते हो एंड इधर का लोकेशन। ओहो बस ब्लॉग में रहो एंड देखते हैं आगे सारा टीम मूव रेडी होता है फिर शूट स्टार्ट करते हैं। लव यू बाय, आगे मिलते हैं आपसे। विशे लीजिए इनका जब भी शूट स्टार्ट हो चुका है इधर मंदिर पे देख सकते हैं। और देखिए गाइस आज बहुत ज्यादा गर्मी भैया, तो जान इज्जत से ज्यादा बड़ा जान मेरा है। और रंजीत भैया का ब्लॉग किधर चला गया अभी पता भी नहीं चल रहा है। अभी सब लोग हमको समझ रहा है एकदम फकीर चंद डायरेक्टर, लेकिन पता नहीं है कि कितना सिंगर का। एंड उधर चेक आउट कर सकते हैं आप लोग, उधर मॉडल लोग डांसर लोग है भैया। बस ओके फकीर चंद कितना गाना बजा चुका है, टेंशन नहीं लेना, बजाओ। तो गाइस गर्मी बहुत लग रहा है तो आज का खत्म करते हैं और अभी हम लोग काम कर रहे हैं। लो रेडी इंश्योरेंस करो, मारो मेरा मेकअप वाटर प्रूफ है और इतना भी गर्मी में काम किया, धूप में काम किया, अभी तक एक जरा मेकअप नहीं हुआ है। सो गाइस अभी कितना सॉन्ग कंप्लीट हुआ अभी हम लोग का, लिप सिंग रखी अलग है। एंड गाइस अभी आप लोग को मिलाने जा रहा, मिलाने वाले हैं बिस्कुट पांडे। नमस्कार प्रणाम, जितने लोग देख रहे हैं नमस्कार प्रणाम, सभी को प्रणाम है। और भाई देख रहे हैं मंजीत भाई है भाई, और आपका वीडियो कौन सा चलने आएगा बता दीजिए। ये बिस्कुट पांडे ऑफिशियल से आएगा, ये सब गाना एक बहुत बढ़िया गाना आ रहा है बता देते हैं, ऐसे भाग भोसड़ी वाली मर जो बहुत मस्त गाना है, आप लोग सुनिएगा। ये कल या परसों रिलीज हो जाएगा बिस्कुट पांडे ऑफिशियल से, और भी बहुत सारे गाने हैं। ठीक, बस ब्लॉग में रहो आप सब। भयानक तरक से मार रहा था ब्रह्मा लाल ने ऊपर वाला। ये चेक करो गाइस कितना धूप है और किस तरह मंजीत ये शूट कर रहा है, वीडियो देख सकते हैं खुद को कैसे ढक लिया। एंड उधर सारा कोई दिख रहा है आपको, हाँ दिखता ही होगा। तो गाइस शूट स्टार्ट हो चुका है और ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। एंड जो हमारे चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो भैया प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जब भी शूट कंटिन्यू है और चल ही रहा है एंड उधर देख सकते हैं मंजीत भैया गिम्बल शॉट ले रहे हैं, कुछ देर पहले हम ले रहे थे। एंड इधर और गए जब का टाइम बता दे रहे, अभी 3 बज चुका है और अभी रेगुलर हम लोग मॉर्निंग से शूट कर रहे कंटिन्यू इतना धूप में, क्या ही बताए। देखिए फिर आगे क्या होता है, आगे दिखाते फिर नाइट का शूटिंग है, नाइट का सेटअप भी आप सभी को दिखाएंगे। बस ब्लॉग में मिलो आप सभी। गाइज अभी शूट चल ही रहा है, कितना टाइम हो गया अभी, अभी बज गया 5 बजने वाला है। एंड इधर सीन चेकआउट कर सकते हो, मॉडल भी चेंज, सबका सब टीम मेंबर का ड्रेसअप भी चेंज, और मंजीत भैया का भी ड्रेस चेंज हो गया। क्या मंजीत भैया कैसा लग रहा है शूट पे आज? बहुत अच्छा लग रहा है। एंड उधर चेकआउट कर सकते हो आप, अभी शूट रेडी होगा
तो बस ब्लॉग में बने रहो आप सब, एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करो। बहुत देर के बाद ब्लॉग आया तो सपोर्ट करना बनता है यार। तो अभी आप सभी को दिखाते हैं फ्रूट, ठीक है? बस ब्लॉग में बने रहो आप सब। तो गाइस एक चेक करो गाइस, अभी सबको सेटअप के लिए बैलून फुला रहा है, एंड इधर सेटअप लग रहा है, तो नाइट शूट होगा, एंड सेटअप रेडी होने के बाद आप सभी को पूरा दिखाएंगे। तो बस ब्लॉग बना रहो, एंड इधर देख सकते हो अभी ब्लॉग बना रहे क्या? अच्छा, सो गाइस नाइट का शूट स्टार्ट हो चुका है, एंड इधर देख सकते हो मंजीतिया नाइट का सेटअप में कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इधर चेकआउट कर सकते हो गाइस, कुछ आगे का ऐसा सीन है तो दिखाएंगे। बस ब्लॉग बने रहो, पूरा अंधेरा अभी हुआ नहीं, होने वाला है, एंड इधर देख सकते हो सब कोई रेडी है। बस अब कुछ देर में शूट स्टार्ट होगा, तो आप लोग को ब्लॉग कैसा लग रहा है गाइस कमेंट बताना यार। और मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग बनाना छोड़ दिया हूँ, तो भाई थोड़ा थोड़ा भूल भी गया हूँ, तो मुझे बताना कि कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग से वो गलती ना हो। बस ब्लॉग में बने रहो आप सभी, एंड आगे जो भी कुछ होता है आप सभी को दिखाते हैं।